अध्याय 10, भारत में महात्मा गांधी और स्वतंत्र आंदोलन। गांधी जी के गुरु गोखले जी इंग्लैंड से भारत लौट आए थे और पुणे में बीमार रहने लगे थे, परंतु जो ही उन्होंने पता चला कि गांधी जी का जहाज बंबई के बंदरगाह की ओर आ रहा है, त्यों ही वे बंबई की ओर दौड़े और उनके स्वागत की तैयारी में लग गए। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी का जहाज बंदरगाह पर लगा। जनता की भीड़ उनके दर्शनों के लिए टूट पड़ी। जनता महात्मा गांधी की जय से आकाश गूंजा दिया। उसने देखा कि धोती दुपट्टे अंगरखे और काठियावाड़ी फटे की पोशाक में ठिगना सावला सा आदमी नंगे पैरों अपोलो बंदरगाह पर उतर रहा है। यही उसका महात्मा गांधी था। अपोलो बंदरगाह पर वाइसराय और विशिष्ट व्यक्ति, जिन्हें आजकल VIP कहा जाता है, उतरने दिए जाते थे। गांधी जी को भी सरकार ने विशिष्ट व्यक्ति समझकर वहां उतरने की अनुमति दे दी थी। गोखले अपने शिष्य को भीड़ से बड़ी कठिनाई से बाहर ला सके। गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा सफेद धोती और ब्लाउज पहने उन्हीं के साथ नंगे पैरों चल रही थी। जनता बैरिस्टर गांधी की सादगी पर मुग्ध हो रही थी। उसके स्वागत सत्कार को नम्रतापूर्वक स्वीकार कर गांधी जी अपने गुरु के साथ पुणे गए और कुछ समय तक उनके साथ रहे। गुरु जी ने उन्हें 1 वर्ष तक देश में भ्रमण करने की सलाह दी। वे चाहते थे कि गांधी जी अपनी आंखों से देशवासियों की दशा देखें और तब उनकी भलाई और अधिकारों के समुचित उपाय पर विचार करें। गांधी जी ने उनकी आज्ञा शिरोधार्य की। सबसे पहले वे बम्बई के गवर्नर विलिंगटन से मिले। गवर्नर ने उनसे कहा कि जब तुम गवर्नमेंट के खिलाफ कोई काम शुरू करो तो मुझे उसकी पूर्व सूचना देना मत भूलना। लॉर्ड साहब, मैं तो छिपकर कोई काम करता ही नहीं, मैं कार्य आरंभ से पूर्व आपको अवश्य सूचना दूंगा, जिससे आप जनता की शिकायतों को जान सकें और उन्हें दूर कर सकें। देश भ्रमण से के पूर्व गांधी जी अपने रिश्तेदारों से मिलने राजकोट और पोरबंदर जाने के लिए रेल से रवाना हुए। मार्ग में एक स्टेशन पर कार्यकर्ताओं उनसे मिला और वीरम गांव के किसानों पर लगने वाले टैक्स की जाति की शिकायत करने लगा। गांधी जी को उस समय जोड़ था। उन्होंने उससे इतना ही पूछा, क्या आप लोग जेल जाने को तैयार हैं? कार्यकर्ता ने बड़े उत्साह से हाँ कहा। तो मैं जरूर इस बात की जांच करूँगा, कहकर गांधी जी ने कार्यकर्ता को आश्वासन दिया। काठियावाड़ अर्थात सौराष्ट्र में जहाँ जहाँ गांधी जी गए, लोगों ने वीरम गांव के टैक्स की शिकायत की। रामकाज की ने बिना कोई काम विश्राम की बात चरितार्थ हुई। आए तो थे परिवार के बीच कुछ समय बिताने, और विश्राम करने पर जनता ने उन्हें विश्राम नहीं करने दिया। उन्होंने जनता की शिकायतों के प्रमाण एकत्र किए